अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक हो ना? 100 डे चैलेंज डे 6। तो हमारे साथ आज जुमा पढ़ने जा रहे हैं तैयब भाई और हमजा भाई। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जुमा, और सबसे पहले आप सब लोग को जुमा मुबारक। डे 5 नहीं है, सॉरी, हाँ डे 5 नहीं, मेरा चैलेंज चल रहा है 100 डे चैलेंज। अच्छा अच्छा, 100 डे चैलेंज चल रहा है। दिन मैं भूल गया कौन सा दिन था। आज फ्राइडे है। नहीं है तो फ्राइडे, मेरा दिन कौन सा चल रहा है? कोई नहीं यार, बाकी चीज़ों का एस्टिमेट लगा के मैं आपको बता दूंगा, वो लिख दूंगा टाइटल पे कि कौन सा दिन चल रहा है। अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने, थोड़ा सा फ्रेश होंगे फिर जुमा पढ़ेंगे। व्हाट्सएप वगैरह के साथ हम जा रहे हैं, ग्राउंड देखो हरी भरी। हाय हाय, चाचा जी भी जा रहे हैं का काम कर जाके। चाचा जी की तो गुटर नहीं ना लाइक। तो आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। यहाँ पे हमारी टीम है, ये ये कोई बाहर की टीम है, हमारी टीम नहीं है। मुझे लगा हमारी टीम है क्योंकि उनकी भी शर्टें बननी थी ग्रीन कलर की, तो अभी तक बनी नहीं है। आज मैं जाता पीरसा वाली साइड से हूँ, लेकिन आज ये भाई कह रहे थे इस साइड से चलो। यार धूप निकली हुई है ना, धूप में करते हैं वहाँ पे, तो दख्ती बहुत है उस गली में। हाँ। पीरसा की गली में ये भी बात, वहाँ पे धूप नहीं लग रही है, हमें धूप लग रही है। हमें बात तो सही है, लग रही है सुकून होगा यहाँ पे। हाँ सही बात है, जुम्मे का टाइम है, हर कोई नहा धो के जुमा पढ़ने जा रहा है। लेकिन आप नहीं नहा रहे? नहीं, मैंने सुबह मैंने सुबह टाइम आते वक्त नहा लिया था। मैं नहाता जब सर्दी आए। नहीं नहीं, मैं सुबह टाइम नहा के आया। मैं सुबह टाइम ही नहा लिया था क्योंकि सुबह सुबह सुस्ती चढ़ी थी, मैं कहा सुस्ती लाओ नहा तो लो। दिन में फिर बंदा फ्रेश हो जाता पूरा दिन। हाँ ये भी बात है। साढ़े नाल का साथी कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई नहीं, हमें वो मिलेंगे सारे मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर। आपको उनसे भी मिलवाएंगे कि कौन कौन जदीद आ रहा है जुमा पढ़ने। हाँ जुमा पढ़ने, ये कौन कौन नहीं आ रहा, केड़ा केड़ा कार बैठा आराम नाल जुमा पढ़ने नहीं आ रहा। तो हम चलने हैं कार, क्योंकि कार करीब आ गया, फिर ज़रा रेडी शेडी होके जुमा पढ़ने चले। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अब हम लोग जुमा पढ़ के आ चुके हैं। तो बात है, ये बंदा हर जुमे के जुमे ना सिर्फ जुमे का व्लॉग बना रहा होता है, जबकि हमने फर्स्ट टाइम जुमे का बनाया, अगली बार हमारा जुमे का व्लॉग नहीं होगा, पक्की बात है। उसमें कोई चीज हो भाई, हम जुमे का मलेदार नहीं भाई, भाई जुमे का पाक दिन है, इसको सारों को मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं, आप बताओ जरा, देनी चाहिए ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद है, ईद है, हर रोज मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। हमें हर हर बार कहना चाहिए कि भाई साहब जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। ये लोग समझते नहीं है भाई साहब, ये पागल हैं। डेली व्लॉग जाएगा, कोई डिले नहीं होगा भाई, चैलेंज लगा हुआ बता रहा हूं। हां 100 कौन कहना जुमा ईद है? हैं वो जाए फिर बड़ा तू मुझे साबित कर दो किसी रेफरेंस के साथ, मैं मान लूंगा। तो मैंने क्या ईद है? कुरान पाक, कुरान पाक में दो ईद है, कुरान पाक में दो ईद है, ईद उल अजहा और ईद उल फितर। बस उसके अलावा ईद मिलाद उन नबी, ईद मिलाद उन नबी। कौन सी भाई ईद मिलाद उन नबी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ईद तो नहीं है ना? तो गाइस मौलवी, तो गाइस मौलवी यहाँ पे लड़ पड़े हैं जुम्मे वाले दिन को। बस कर दे, भाई ईद मिलाद उन नबी नहीं है तीसरी? अच्छा पागल है ना, पागल है कड़ी पे दे मरे। और ये, और ये इधर आए, और ये कहता है वो बंदा आसिम कहता है कि भाई जुमे जुमे का जुमा व्लॉग ना बनाया करो। भाई मैंने सारी अपनी ऑडियंस को जुमा मुबारक कहना होता है, तो जुमे का व्लॉग क्यों ना बना, बनाएंगे हम जुमे का व्लॉग, डेली आएगा व्लॉग। हाँ फैन आ गया मेरा पिछले जुमे वाला, आप सब फैन, आप सबके लिए समोसा लेकर आया हूँ, ये मेरा बहुत अच्छा फैन है, हर जुमे के जुमे मुझे मिलता है, लेकिन इसको मेरे चैनल का नाम नहीं पता। चैनल का नाम पता चल गया, फुलर वानी व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब करना है, समोसा समोसा खाएं, जो सब्सक्राइब करेगा समोसा मिलेगा उसे। दलता राशिया नाउ द पठान इज कमिंग आफ्टर 1 वीक। की हाल है लाका? माशाल्लाह ब्लूबेरी बना हुआ है।
माड़ा रिश्ता आना है माड़ा कपड़ा बचा कपड़ा बचा हमने कहा क्या था दया कर देना करने वेस्टकोट बना दे वेस्टकोट बना दे पाकिस्तानी है ना कोई चीज आया नहीं करने देते राम का माला क्यों साजी हेलो किसी किसी हदीस से साबित है कि जुमा ईद है जी जुमा तो ईद है जी इसने क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस है हदीस है यार हदीस है हदीस है मेरे हदीस है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहता है ईद मिलाद नबी में नहीं है गरीबों की गरीबों का हज और गरीबों की ईद जो है ना जुमा है जुमा है मैंने भी ये सुना हुआ है लेकिन मैंने खुद नहीं पढ़ा हुआ लेकिन वो उन्होंने बोला क्या मतलब जो हमारे गरीबों के लिए जुमा ही रखा गया ताकि वो हम हज तो कर नहीं सकते हज जो हज के साथ इतने वो नहीं है परचेज नहीं है जिनकी जेब ये हदीस सच है अपनी शादी में मैक मलिक को बुला नाले प्यो दावत जरा दोबारा बताना इसलिए ये मौलवी मौलवी के बेटे ने क्या कहा था माशाल्लाह ये इंतजामिया मस्जिद के हां इधर इधर थोड़ा चीते आ रहे हो फिजाने बेतुल मस्जिद के ठीक है हां जो भी बोल रहा झूठ बोल रहा है पहले एक मिनट चुप तो जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है लगड़ बनाने नहीं दे रही सुन तो सही लगड़ का भाई जान आपकी शादी कब है कहता यार इनसे 2-3 साल तक मैं कहा अच्छा जी माशाल्लाह फिर इंतजाम तो बड़ा होगा कहता हां इंशाल्लाह महकम लग मंगवानी है अरे कैसी बात है एडा कोई चवल इंसान है क्या ये हाफिज है हमारे معاشرے के इंशाल्लाह हमारे معاشرے के केकड़ा जी ये बंदा जिधर भी मिले आपको झूठ बोले इसको मैं सीधा तूने नहीं कहा महक मलिक बता कैमरा मारी देना है कैमरा मारी कैमरा मारा छठवा झूठे पे खुदा की लानत पड़ी है पई हुई है पहले तो यार सलाम क्या टहले हो आप कैसी हो आप पाकिस्तान जी वगी पीने पानी कोई नहीं नलका चला गए मोड़ लगा के पूरा घोंसला बना हुआ पूरी ममटी डीडी पानी पूरा घोंसला बना हुआ है घोंसला यार माड़ा वो बस जरा थोड़ी मजबूरियां थी इस वजह से दोबारा बंदा तो ये मौलवी साहब के हत्थे चढ़ गए बड़ी कर रहा था बातें इनकी हमने बड़ी ज्यादा ली हैं पिक्चर्स वो जो चल के आए थे हम वो चल के जब आए चल के वाला वो बड़ी अच्छी आ गई देखा मेरे डिपल आया दोनों आई जब थोड़ी भाई साहब की बकवास हो A few moments later. Guys, अब हम लोग जुमा शुमा पढ़ के आ गए हैं और अब हम चलते हैं घर वापस तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर देना 100 डे चैलेंज डे 6 का ये व्लॉग है मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़